मुरादाबाद जनपद के कुनरकी नगर में फर्जी हकीमों की भरमार है। फर्जी हकीम लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। अवैध रूप से संचालित दवाखाने लोगों के लिए मुसीबत बने हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होना और उसके बाद हिकमत की दुकान खोल लेना ये आम बात है। ताजा मामला कुनरकी नगर के यामीन पहलवान के दवाखाने का है, जहां शिकायत का संज्ञान लेते हुए यूनानी आयुर्वेदिक विभाग की टीम द्वारा यामीन पहलवान के दवाखाने पर छापेमारी हुई। छापेमारी के दौरान बिना लाइसेंस के दवाई बेचने का मामला प्रकाश में आया। कहा जा रहा है कि यामीन पहलवान नगर के सरकारी जिम में ट्रेनर था और उससे पहले लोहे पर वेल्डिंग करने का काम करता था। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उसने दवाखाना खोल लिया, पर अब धड़ल्ले से दवाई बेच रहा है। लोगों को हजारों रुपए की दवाई बेचकर ठगा जा रहा है। गली गली मोहल्ला मोहल्ला कुनरकी नगर में दवाखाने संचालित हैं। अवैध रूप से दवाखाने चल रहे हैं, जिसमें हजारों रुपए की दवाई देकर मरीजों को लूटा जा रहा है। जल्दी पेपर दिखाएंगे ऑफिस कार्यालय आगे।